जोहार आदाब, मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। कल अंबेडकर जी की जयंती है और बाबा साहब के 132वीं जयंती है। आज आपने देखा पूरे शहर में बाइक रैली के माध्यम से बाबा साहब के दिए गए संविधान को बताने के लिए पूरे शहर में बाइक रैली निकाली गई थी। और हमारे साथ में हैं एक सामाजिक युवा नेता कहें दीपक महतो जी। दीपक महतो जी, कल जयंती, लेकिन कहाँ क्या गैप रह गया है कि बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के दिए गए संविधान को लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं? कहाँ गैप रह गया है इन 75 सालों में? सबसे पहले आपके जोहार न्यूज को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि भारत के चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, बाबा साहब का न्यूज को जिस प्रमुखता से दिखाना चाहिए था वो आज नहीं दिखा रही है और बाबा साहब के न्यूज को दबाती। मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मीडिया के चौथा स्तंभ होने के नाते बाबा साहब की खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल में जगह दिए हैं। इसके लिए आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमको बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए आपको दोबारा धन्यवाद देते हैं। अब सवाल है कि बाबा साहब के बारे में जो आपने सवाल रखा, ये जो जन जागरण अभी आप देख रहे हैं और जिस बाबा साहब की वाटिका में हम लोग अभी खड़े हैं गोलंबर में, और ये बाबा साहब का संविधान हाथ में लिए ये जो दर्शा रहा है कि संसद की ओर चलो, ये प्रतिमा स्थापित होने का एक संदेश है कि ये जन जागरण का परिणाम है कि प्रतिमा लगाने के लिए सरकार, लोग और समाज मजबूर हुआ, और पूरा भारत, बाबा पूरा भारत का सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार, पूरा संविधान, पूरा नियम, पूरा कानून, पूरा विधि, पूरा विधान बाबा साहेब की योग्यता का प्रमाण है कि उन्हीं के दिए हुए संविधान के आलोक में, परिप्रेक्ष्य में, उनके लिखे हुए संविधान के आधार पर पूरा देश का कण कण आज संचालित है, गतिमान है। अब रहे कि इनको कैसे दबाया गया या इनको कैसे बैकफुट की ओर धकेला गया, अभी तक इनका जन्म जो है निचले तबके के दलित समाज में होने के कारण, तो भारत का जो उच्च वर्गीय वर्ण है इनको स्वीकार करने में उनको जो है अन्यथा महसूस होता है। और यही बाबा साहेब अगर उच्च वर्ण में पैदा लिए रहते तो आज इनका जय जयकार होता, राम जी का जो स्थान था उनको दिया जाता, जो कृष्ण के जो स्थान था भारत में उनको स्थान मिलता, क्योंकि इनके दिए हुए संविधान में 90% आदमी को आज अधिकार मिला, खास करके महिलाओं को, जो भारत का जो सामाजिक व्यवस्था था उस व्यवस्था में महिलाओं का कहीं कोई स्थान नहीं था। और उन सभी हमारी माँ बहनों, बेटी बहू, माताओं, सबको अधिकार मिला, दबे कुचले पिछड़े सबको अधिकार मिला, यहाँ तक कि सबको अधिकार मिला, चाहे अपर हो, मिडिल हो या लोअर हो, सबको अधिकार मिला। ये बाबा साहब की योग्यता की काबिलियत है जो उनके विद्वता के आधार पर संविधान लिखा गया, और संविधान के आधार पर आज देश के सभी नागरिकों को आज जो है समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब इनको दबाने का बात है, ये बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं है, एक जाति नहीं है, एक वर्ग नहीं है, बाबा साहब संपूर्णता में एक विचार है, क्रांति है, और कोई भी एक आग है, और कोई आग को डिब्बा में बंद करने का साहस किसी में नहीं है। विचार व्यक्ति मर सकता है, विचार को मारने का ताकत किसी में नहीं। आज अंबेडकरवाद पूरी दुनिया में, आज कहाँ अंबेडकरवाद नहीं है, जितनी बड़ी जितना विकसित कंट्री है, जितना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बाबा साहब की प्रतिमा एक नंबर में उसके चौराहे पर, उसके मुहाने पर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब दुनिया में
सबसे ज़्यादा डिग्री के साथ सबसे ज़्यादा विद्वान लोगों की गिनती में माने जाते हैं। इनकी विद्वता को चुनौती देने का ताकत और साहस किसी में नहीं। आज के युवा कितने समझ पा रहे हैं बाबा साहब? आज के युवा जो धर्मांधता में अटके हुए हैं, अंधविश्वास में, धर्मांधता में, जो आज जो बाबा साहब को जो एक बार देख लेंगे और जो एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उनको फिर दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इनके संघर्ष को जो एक बार जान लेंगे बाबा साहब, भारत में अगर कोई बाबा अगर है, एकमात्र बाबा है वह बाबा साहेब विश्व विभूति क्रांति सूर्य, दुनिया के सूरज, विचारों का सूरज, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर, भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर जी के आगे, संविधान निर्माता के आगे कोई बाबा नहीं है। सब बाबा बेकार है। भारत में अगर एकमात्र बाबा किसी को कहा जा सकता है, त्यागी पुरुष, बलिदानी पुरुष, वैचारिक पुरुष, महापुरुष अगर किसी को बोला जा सकता है, बाबा किसी को बोला है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एकमात्र बाबा हैं। बाकी सब छलिया हैं और जो है ना सिर्फ दूसरे को ठगने वाले बाबा हैं। बाबा एक विचार है अपने आप में, और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जान लिया, समझ लिया, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यूं ही बाबा साहब को पूरे विश्व में नहीं जाना जाता है, नहीं माना जाता है, नहीं पूजा जाता है। उनके कई विचार हैं, उनके कई कार्य हैं, और उन्हीं के बदौलत आज मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। उन्हीं की देन है कि आज हम स्वतंत्र हैं और हम स्वाधीन हैं, और अपने विचारों से, अपने कामों से, रहन से, पोशाक से, खान से, खाना से, पीना से। हमारे साथ में दीपक महतो जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहेब के चरणों में मैं अपना सर्वस्व निछावर करते हुए तन मन धन विचार सब कुछ इनको अर्पण कर रहा हूँ, और इनके विचारों को आत्मसात करते हुए मैं युवाओं, छात्र, युवा, नौजवानों, महिलाओं, माताओं, बहनों और सभी भारत के सूरवीरों से मेरा अनुरोध रहेगा कि बाबा साहेब को एक बार पढ़ लें, सिर्फ जान लें, और उनके पद चिन्हों पर एक बार चल लें, तो भारत को विश्व गुरु और विश्व प्रणेता भारत को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सही बात है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, फिर देखिए आगे क्या होता है। बने रहिए आप लोग जवानी के साथ। धन्यवाद।